हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत के भूगोल से संबंधित 30 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विंध्याचल पर्वत को बिहार में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है विंध्यन श्रेणी, ऑप्शन बी है महादेव श्रेणी, ऑप्शन सी है मैकाल रेंज और ऑप्शन डी है कैमूर श्रेणी। तो इसका सही आंसर होगा कैमूर श्रेणी। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए है मानसरोवर झील से, ऑप्शन बी है शेषनाग झील से, ऑप्शन सी है राकस्ताल झील से और ऑप्शन डी है रोहतांग दर्रा से। तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से हुआ है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ऑप्शन ए है महाबलेश्वर पहाड़ी से, ऑप्शन बी है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ऑप्शन सी है हरिश्चंद्र पहाड़ी से और ऑप्शन डी है महेंद्रगिरी पहाड़ी से। तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है। अगला प्रश्न है, चेरापूंजी किस पहाड़ी में स्थित है? ऑप्शन ए है गारो पहाड़ी, ऑप्शन बी है खासी पहाड़ी, ऑप्शन सी है जयंतिका पहाड़ी और ऑप्शन डी है मिजो पहाड़ी। इसका सही आंसर होगा खासी पहाड़ी। चेरापूंजी खासी पहाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है केरल राज्य में, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु राज्य में और ऑप्शन डी है कर्नाटक राज्य में। तो नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, जोजीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर राज्य में, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है सिक्किम राज्य में और ऑप्शन डी है नागालैंड राज्य में। तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा से लगे हुए हैं? ऑप्शन ए है 8 राज्य, ऑप्शन बी है 9 राज्य, ऑप्शन सी है 5 राज्य और ऑप्शन डी है 10 राज्य। तो इसका सही आंसर होगा 9 राज्य। भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों का उत्तर और दक्षिण गलियारा कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए है मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन बी है इंदौर में, ऑप्शन सी है झांसी में और ऑप्शन डी है वाराणसी में। तो इसका सही आंसर होगा झांसी में। अगला प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है असम राज्य में, ऑप्शन बी है मेघालय राज्य में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश राज्य में और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इसका सही आंसर होगा असम राज्य में। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? ऑप्शन ए है महानदी परियोजना, ऑप्शन बी है चंबल परियोजना, ऑप्शन सी है नागार्जुन सागर परियोजना और ऑप्शन डी है दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जिसे सन 1952 में नदी घाटी परियोजना घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है बिहार राज्य में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन डी है झारखंड राज्य में। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य में। गोविंद वल्लभ पंत जलाशय उत्तर प्रदेश राज्य में रिहंद नदी पर स्थित है। रिहंद सोन की एक प्रमुख सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, माता टीला परियोजना किस नदी पर संचालित है? पहला ऑप्शन है केन नदी पर, ऑप्शन बी है सिंध नदी पर, ऑप्शन सी है बेतवा नदी पर और ऑप्शन डी है साबरमती नदी पर। तो इसका सही आंसर होगा बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है, साइबेरियाई सारस के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए है नंदा देवी, ऑप्शन बी है चंद्रप्रभा, ऑप्शन सी है सरिस्का और ऑप्शन डी है केवलादेव। तो इसका सही आंसर होगा केवलादेव। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के मध्य स्थित मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1914 को, ऑप्शन बी है 1947 को, ऑप्शन सी है 1950 को और ऑप्शन डी है 1894 को। इसका सही आंसर होगा 1914 को। भारत और चीन के मध्य स्थित मैकमोहन रेखा का निर्धारण सन 1914 को हुआ था। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी है महाबलेश्वर, ऑप्शन सी है अनाईमुदी और ऑप्शन डी है ब्रह्मगिरी। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जो कि अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। यह पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी के साथ साथ प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है, कालसुबाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन सी है केरल राज्य में, ऑप्शन डी है तमिलनाडु राज्य में। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य में। कालसुबाई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो कि पश्चिमी पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु राज्य में,
ऑप्शन बी है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी है उत्तराखंड राज्य में और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश राज्य में। इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है, निम्न पर्वत श्रृंखला में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है सतपुड़ा पर्वत में, ऑप्शन बी है अरावली पर्वत श्रृंखला में, ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट में और ऑप्शन डी है विंध्याचल पर्वत में। इसका सही आंसर होगा विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में लाल बलुआ और चूना पत्थर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है। ऑप्शन ए है सतपुड़ा, ऑप्शन बी है अरावली पर्वत, ऑप्शन सी है विंध्याचल और ऑप्शन डी है हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर होगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए है माउंट कैलाश, ऑप्शन बी है काराकोरम, ऑप्शन सी है बद्रीनाथ और ऑप्शन डी है केदारनाथ। तो इसका सही आंसर होगा माउंट कैलाश। कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट कैलाश है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है। ऑप्शन ए है वलित पर्वत, ऑप्शन बी है मोड़दार पर्वत, ऑप्शन सी है नवीनतम पर्वत और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। हिमालय पर्वत, वलित पर्वत, मोड़दार पर्वत और नवीनतम पर्वत इन तीनों पर्वतों का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए है मेघना नदी, ऑप्शन बी है पद्मा नदी, ऑप्शन सी है जमुना नदी और ऑप्शन डी है दिबांग नदी। इसका सही आंसर होगा पद्मा नदी। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल विवाद पर समझौता कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1970 को, ऑप्शन बी है 1965 को, ऑप्शन सी है 1955 को और ऑप्शन डी है 1960 को। तो इसका सही आंसर होगा 1960 को। भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल विवाद पर समझौता 1960 को हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर और दक्षिण की नदियों का विभाजन रेखा किस पर्वत को निर्धारित किया गया है। ऑप्शन ए है सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन बी है अरावली पर्वत, ऑप्शन सी है विंध्याचल पर्वत और ऑप्शन डी है हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर होगा विंध्याचल पर्वत। उत्तर और दक्षिण की नदियों का विभाजन रेखा विंध्याचल पर्वत को निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए है गुरु शिखर, ऑप्शन बी है धूपगढ़ की पहाड़ी, ऑप्शन सी है अमरकंटक और ऑप्शन डी है महाबलेश्वर। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है एलोरा में, ऑप्शन बी है माउंट आबू, ऑप्शन सी है खजुराहो और ऑप्शन डी है ऊटी। तो इसका सही आंसर होगा माउंट आबू। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है यह किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी है पेरियार नदी, ऑप्शन सी है सरावती नदी और ऑप्शन डी है कावेरी नदी। तो इसका सही आंसर होगा सरावती नदी। महात्मा गांधी जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह सरावती नदी पर स्थित है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरि के बैराज किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है पंजाब राज्य में, ऑप्शन बी है हरियाणा राज्य में, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन डी है उत्तराखंड राज्य में। तो इसका सही आंसर होगा पंजाब राज्य में। ब्यास और सतलज नदी के संगम स्थल पर हरि के बैराज स्थित है जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, ककरापार परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी है राजस्थान में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र राज्य में। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। ककरापार परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी जलप्रपात, ऑप्शन बी है भेड़ाघाट जलप्रपात, ऑप्शन सी है चित्रकूट जलप्रपात और ऑप्शन डी है पुनासा जलप्रपात। इसका सही आंसर होगा चित्रकूट जलप्रपात जो कि भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही और MCQ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।